चलिए शान जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। एल्यूमिनियम के बारे में कुछ बात करने के लिए आया हूँ दोस्तों। एल्यूमिनियम सबसे पहली धातु इस तरह की है कि जिस जिस समय लोहा जैसे ये अर्थ यूज नहीं होते थे, तो उस टाइम पर जो मानव थे हमारी जो प्रजाति जिससे हमें उन लोगों ने सबसे पहले इस धातु के लिए यूज किया, इससे बर्तने बनाने शुरू किया। आज सही पूछो तो आज इसका सही इस्तेमाल ये लोग और कहीं पे करें। देखें अपन तो एरोप्लेन जैसे बन रहा हमने, आज एरोप्लेन में हल्की सबसे हल्की धातु बहुत बड़ी यूज कर रहे। मेरे ख्याल से जितना साइंस अगर इस एल्यूमिनियम जैसे पदार्थ को यूज करके बना सकती है ना, मेरे ख्याल से दूसरा और पदार्थ इससे बेहतर नहीं होगा। आज सबसे अच्छी बात ये है इसका ऑक्साइड जो अपने बारह फाइट में पाया जाता है, इससे अच्छी बात क्या हम खुश रहते हैं जिस देश में जहाँ से एल्यूमिनियम लोगों ने छाना जिसके बारे में जाना वो हम एमपी से है और वहीं पे एल्यूमिनियम है। और अच्छी बात ये है ना कि दोस्तों एल्यूमिनियम हो या कोई सा भी हो, कोई सा भी मटेरियल हो, सबसे अच्छी बात ये रहती है कि हम उसका यूज क्या कर सकते हैं। नहीं तो एल्यूमिनियम भी एक ऐसी धातु नहीं जिसके यूज कर सकते। अच्छी बात ये रही कि इससे हमने वो कर दिखाया जिससे लोग भगवान बोलते थे उस टाइम पे, जैसे भगवान उड़ते हैं वो करते हैं जब जैसे बोलते थे लोग कि इससे भी कुछ होता है। आज वो हकीकत कर दिखाया हमने, समझा कि हाँ इंसान भी उड़ सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम हर चीज का सही यूटिलाइज करें। और ये सबसे अच्छी बात रही कि इस एल्यूमिनियम धातु के साथ ये सिर्फ हम एल्यूमिनियम हेलीकॉप्टर उड़ना ये सब बर्बाद की बात है, ये हमने अच्छी तरक्की की है। लेकिन इसके अलावा चाहे हम तो इसे अभी भी हमारे पास साइंस के इतने मौके हैं कि इससे हम चाहे तो हाउस बना सकते हैं जो सबसे बढ़िया धातु रहती है। इससे हमारे इलाके घर भी बना कितना हल्का रहेगा सोच लीजिए ना, अगर आप घर का भी ट्रांसपोर्ट करने लग गए इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर आप देखिए जरा हवा, अगर आपको लग रहा है हवा में उड़ जाएगा तो अच्छा कुछ चीज किया हमने। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर उसको इससे स्टेबल कर दिया जाएगा